हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में माध्यक ज्ञात करना सीखेंगे। माध्यक या माध्यिका एक ही होती है। तो 24 विद्यार्थियों, देखिए दिया गया है कि 24 विद्यार्थियों के 20 अंक में से प्राप्तांक, 20 अंक मैंने उनका मैक्सिमम मार्क कितना है, मैक्सिमम जो है वो 20 अंक का उनको प्रश्न दिया गया है, जिसमें इस तरह के प्रश्न में से वे इस तरह से प्राप्तांक पाए। देखिए प्राप्तांक इनका दिया गया है, 4 विद्यार्थी 12 पा रहे हैं, 5 विद्यार्थी 13, 4 विद्यार्थी 14 नंबर पा रहे हैं, 6 विद्यार्थी 15 नंबर पा रहे हैं और 5 विद्यार्थी 16 नंबर पा रहे हैं। तो कह रहे हैं इसकी माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब हमें इनका माध्यिका कैसे ज्ञात करना है, तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका हल हम कैसे करेंगे। तो इसका हल करने के लिए हम सबसे पहले एक साड़ी बनाएंगे। तो इस तरह से हमने देखिए एक साड़ी बना लिया है और इस साड़ी में एक में प्राप्तांक लिख दिया गया है और दूसरे में देखिए बारंबारता लिखी गई है। विद्यार्थियों की संख्या जो है ये बारंबारता है और देखिए इसमें देखिए लिखा गया संचयी बारंबारता। तो हमें संचयी बारंबारता में क्या करना है, तो देखिए प्राप्तांक में लिखिए 12 13 14 15 16, इस तरह से प्राप्तांक दिए गए हैं। और यहाँ देखिए विद्यार्थियों की संख्या में है 4, 5, 4, 6 और 5। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब हम संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे। तो संचयी बारंबारता ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, देख रहे हैं 4 लिखा है बारंबारता, तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे। इसके बाद दूसरे में देखिए 4 और 5 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 4 और 5 जोड़ेंगे आ जाएगा 9, यहाँ हम लिख देंगे 9। फिर देखिए 9 में अब इस 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 4 13, यहाँ लिख देंगे 13। इसके बाद देखिए 13 में अब 6 को जोड़ें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 6 19 हो गया। अब 19 में इस 5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो गया 19 5 24। तो इस तरह से अब देख रहे हैं n का मान कितना आ गया, अब हम ज्ञात कर लेंगे कि n बराबर आ गया, देख रहे हैं 24 आ गया, तो n बराबर हो गया 24। जब n बराबर 24 आ जाएगा तो n बटे 2 कितना हो जाएगा, n बटे 2 बराबर आ जाएगा 12। अब यहाँ पर n देख रहे हैं, n 24 है, तो 24 क्या है, 24 एक सम संख्या है। जब 24 सम संख्या है तो माध्यिका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, माध्यिका निकालने के लिए हम सम संख्या वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो माध्यिका सम संख्या का निकालने के लिए क्या होता है, आप लिखेंगे माध्यिका या इसको माध्यक भी लिख सकते हैं, माध्यिका बराबर हो जाएगा n बटे 2 धन n बटे 2 धन 1 वां पद। और यहाँ भी देखिए n बटे 2 वां पद, ये भी n बटे 2 वां पद और कुल का बटे कितना होगा, कुल का बटे 2 होगा। तो इस तरह से n का मान देख रहे हैं कितना है, 24 है, तो आप लिखेंगे कितना, ये हो जाएगा 24 बटे 2 माने हो गया 12वां पद, आप यहाँ लिख देंगे 12वां पद। और देखिए यहाँ पर हो जाएगा 13वां पद, ये हो गया 13वां पद। तो 12वां पद और 13वां पद, अब 12वां पद और 13वां पद आपको मिलेगा कहाँ, देखिए यहाँ पर इसमें देखिए 4 पद माने चौथा पद तक है, इसमें देखिए 9वां पद तक है। तो इसके बाद देखिए हमें 12वां पद लेना है, तो 12वां पद किस में आ रहा है, देख रहे हैं 12वां पद इसमें आएगा 13 में। तो 13 के सामने देखिए क्या है, 13 के सामने 4 और इसका प्राप्तांक पद क्या है, 14, तो यही इसका पद हुआ। हम लिखेंगे 12वां पद बराबर कितना हो जाएगा,
बारहवां पद हम लिख देंगे। अब देखिए अभी इसके बट कुल के बटे दो करना है, यहाँ पर हम दो कर देते हैं। अब आप लिखेंगे यहाँ बारहवां पद, बारहवां पद कितना रहा है 14, तो आप लिख देंगे बारहवां पद बराबर 14 हो गया। और देखिए तेरहवां पद, तेरहवां पद भी है तो तेरहवां पद भी देख रहे हैं इसी में, और तेरहवां पद भी 14 ही है, तो आप तेरहवां पद भी 14 लिख देंगे। अब दोनों को ऐड कर देंगे, तो जब दोनों को ऐड कर दें कितना हो जाएगा, ये हो गया 28, 28 में दो का भाग कर देंगे तो बराबर आ जाएगा 14। इस तरह से माध्यिका बराबर कितना आ गया, माध्यिका आपने निकाल लिया कि माध्यिका बराबर आ गया, माध्यिका आ गया बराबर कितना 14। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाइक ज़रूर करेंगे और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।